नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं खिड़कियों से झांकती कविताएं। यकीन मानिए, बहुत सारी कविताएं जो किसी वजह से आप तक नहीं पहुंच पाई हैं, और अगर आप कविता प्रेमी हैं तो आपको कविताएं ये कविताएं आपको जरूर सुननी चाहिए। तो आज जो खास मेहमान हमारे बीच हैं, उनका नाम है सौरभ रॉय। चाकुलिया झारखंड से हैं, पिछले कई सालों से बेंगलोर में अंजुमन नाम से कविता प्रेमियों को मंच देते आए हैं। खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं और आप बेंगलोर रिव्यू के संपादक होने के साथ साथ आप अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी से लेकर NIFT जैसे कई संस्थानों के गेस्ट फैकल्टी रह चुके हैं, वहां आपने कविताएं भी पढ़ाई हैं। तो साथ ही आपकी कई सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई सारी पुस्तकों का आपने अनुवाद भी किया है। तो सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस का हिस्सा बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सौरभ भाई, एक हम थोड़ा शुरुआत करते हैं, एक एक छोटा सा एक सवाल है, एक मोटा मोटी, और आप ये बताइए कि बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ पर हिंदी और उर्दू की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम लोग होते हैं ये, जहाँ पे वहाँ आपने अंजुमन जैसी एक संस्था को या एक, एक क्लब को कैसे खड़ा किया, कितने कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको इसके लिए? देखिए, ऐसा मतलब लगता होगा कि इस तरह का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। कवि वैसे भी मतलब प्रशंसा और यश के भूखे होते हैं, तो आप एक मंच अगर उनको दे सके तो खुद ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि अंजुमन जब शुरू किया गया था, संदीप शिखर, तंजील और राहिल ने मिलकर इसको शुरू किया था और मैं लगभग शुरुआत से ही इससे जुड़ा रहा। ये ग्रुप एफर्ट रहा है, बस इसको नियमित ढंग से करते रहना ही जरूरी था और हम सबके लिए ये एक ऐसा मंच बन गया थोड़े समय के बाद, जो हमें नया 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 लिखने के लिए और नए विषयों की खोज करने के लिए, क्योंकि आप बार बार एक कार्यक्रम में नहीं जा सकते और वही पुरानी घिस पीटी कविताएं नहीं पढ़ सकते। तो एक नियमित ढंग से लिखने के लिए अंजुमन, बाकियों का पता नहीं लेकिन हमारे लिए, हमारे खुद के लिए अंजुमन एक बहुत जरूरी मंच बन गया थोड़े समय के बाद। तो आज भी अंजुमन उसी तरह से हमारे लिए जरूरी बना हुआ है और कवि तो खैर जुड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, जो जो जुड़ जाते हैं और उनमें अक्सर ये देखा प्रायः ये देखा गया है कि वो अपने ढंग से फिर मेहनत भी करने लगते हैं। मैं भी नौसिखिया था, आज भी नौसिखिया हूँ और यही है मामला, मतलब जिस तरह से चल रहा है तो ग्रुप एफर्ट के कारण ये चलता रहा है। और ये भी गलत, मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि हम लोग बैंगलोर जैसे शहर में हिंदी पर काम कर रहे थे, तो क्योंकि यहाँ पर हिंदी, प्रांत से दूर लोगों में हिंदी को लेकर एक विशेष लगाव है, जुड़ाव है, तो इसलिए भी लोग आते थे कि उनको कम से कम अपनी भाषा में कुछ सुनने का मौका मिलता था। तो ये भी एक कारण रहा कि अंजुमन बैंगलोर में इतना सक्सेसफुल हो पाया, इतने सारे लोग इससे जुड़ पाए और ये आज इतने सारे काम कर पा रहा है। तो तकरीबन कितने कितने साल से आप अंजुमन को, मतलब अंजुमन चला रहे हैं, कितना समय हो गया इसको स्टार्ट किए? अंजुमन का जो पहला कार्यक्रम हुआ था 2011 में हुआ था, वो एक हम में से एक साथी के घर पर हुआ था जिसमें मैं नहीं गया था, उस वक्त मैं भी अंजुमन से जुड़ा हुआ नहीं था। और उसका जब दूसरा अंजुमन हुआ तब वो आटा गलाटा में हुआ जिसमें जिससे मैं जुड़ा, जो आज तक हो रहा है। हाँ, जो 2012 के आसपास, 2011 के अंत में या 2012 के शुरुआत में वो हुआ था, जो आज तक चलता आ रहा है। अच्छा है। तो सौरभ भाई, हम चाहेंगे आपकी आपकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं कविताओं को लेके, और आपने अनुवाद भी कई पुस्तकों के किए हैं, तो काफी अच्छी पुस्तकों के अनुवाद किए हैं आपने, तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपनी कविताएं सुनाएं। बातें तो होती रहेंगी लेकिन कविताएं बहुत जरूरी हैं, जिसके लिए हम आज जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जरूर। ये जो एक कविता है, इस कविता का नाम है जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियां। जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियां। तो हम अक्सर अपने कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते हैं, अपनी भाषा में हिंदी में टाइप कर रहे होते हैं और वो गूगल का जो टूल है वो उसी में टाइप कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं जिनको, तो उन्हीं गलतियों को जोड़कर मजे मजे में लिखी गई कविता है, आप सुनिए। ठीक है, तो जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियां। मैंने गेंदा लिखना चाहा और गेंडा लिख दिया, काफी देर तक एक पूरी की पूरी कविता मेरी नाक में चुभती रही।
एक बार हिप्पी की जगह हिप्पो लिखा, कीबोर्ड की गलती थी कि आई ओ के इतने पास था, वैसे मैं हिप्पो भी लिख सकता था मगर हिप्पो लिखा। फिर उस दिन मैंने हिप्पो के नथुनों से धुआं निकलते देखा, पुराने रॉक गीतों पर मटकाते देखा कमर, उस दिन मालूम पड़ा कि हिप्पो कितना शांति प्रिय जानवर है। घोड़ा को घड़ा लिख दिया, इसे सुधारना आसान था, मगर कई दिनों के बाद जब सचमुच का घोड़ा देखा, ऐसा सूख आया कंठ, यह कैसी ध्वनि थी दूर तक टापों की, जो मेरी गलतियों से निकल घोड़े की प्यास बुझा रहा था। फिर एक बार हंस को हंस पढ़ा और हंस पढ़ा, बचपन में अक्सर हाथी को हाथ लिख देता था, अच्छा हुआ कि इस वजह से हाथों पर छड़ी पड़ी थी, हाथी पर पड़ती तो शायद आंसू बन फूट जाता। बस इसी तरह एक हाथी ने हाथों पर चलते हुए मेरी भाषा में प्रवेश किया था। ताज्जुब यह कि मैं बटोर को बटेर, बालू को भालू और बाघ को बाघ की तरह ही देखता, सोचता, याद करता था। मेरी कल्पना में इनके नाम गलत थे, रूप नहीं। अफसोस, अब नाम वर्तनी मुसलसल है गूगल की दया से, कीबोर्ड पर उंगलियां भी चलती हैं ताबड़तोड़, मगर भूल चुका हूं मैं इन जानवरों को। बहुत अच्छी कविता है सौरभ भाई। तो कैसे, ख्याल कैसे आया इस कविता को लिखने का? इस तरह की गलतियां होती थी, मैं होती पूरा थी। पूरा कुछ टाइप कर देता था जल्दबाजी में, फिर पढ़ता था तो मुझे हंसी छूटती थी कि अरे ये तो क्या टाइप हो गया। अच्छा, ये आप कंप्यूटर पर टाइप करने के बाद जो गलतियां थी और जो वास्तविकता थी उनके बीच का डिफरेंस है वो आपने इस कविता में? हाँ, वो तो जैसे मान लीजिए आप तौर लिख रहे हैं तो टूर हो गया, आप साले लिख रहे हो सेल हो गया। हम भी ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं कभी टाइप करता हूँ हिंदी में, स्पेशली हिंदी में जब मैं टाइप करता हूँ तो मैं लिखता कुछ हूँ, वो लिख कुछ कुछ और ही देता है। हाँ, ये सच्चाई है। हाँ, तो उन्हीं को जोड़कर लिखी थी कविता जी। ये बहुत खूबसूरत कविता है जी। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी और कविताएं आगे पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा जी। तो हाँ, ये कविता है। मेरी बहुत कम कविताएं होती हैं जो पहले ही ड्राफ्ट में पूरी हो जाती है। मुझे कई बार ड्राफ्टिंग करनी पड़ती होती है। हाँ, बहुत बार लिखना पड़ता है, बहुत बार उनको मांझना पड़ता है। नए फिल्म स्क्रिप्ट की तरह होता है कि एक बार फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया, फिर सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, जितना जितना ज्यादा ड्राफ्टिंग रहेगी उतनी ज्यादा कविता मच के सामने आएगी। ऐसा ऐसी कम ही कविताएं हुई हैं, लिखी है मैंने कम से कम पिछले कई सालों में, पिछले आठ आठ नौ सालों में, जो पहले ड्राफ्ट में पूरी हुई, ये उनमें से एक है, इसलिए भी मैं ये साझा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और जब आप ऐसी कविता लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि आपके अंदर कुछ तो है जो जिंदा है। तो ऐसा हुआ है कि आप जब आज से पहले लिखते थे, 3 से 4 साल पहले लिखते थे, जो आप आज आप लिखते हो, तो ड्राफ्टिंग का लेवल उतना ही है या पहले से आप लगता है कि नहीं आप फर्स्ट टाइम लिख देते हो या कम हुआ है बहुत ज्यादा? एक अनुभव के अनुभव उतना ही है। आप कंप्रोमाइज नहीं करते हो, राइट? आप कंप्रोमाइज नहीं करते हो, कविता लिखूंगा तो फुल, मतलब जब तक दिल को सुकून नहीं होगा तब तक ड्राफ्टिंग रहेगी उसकी वास्तविकता, जब तक वास्तविकता कविता की अपनी नहीं रहेगी, अपने रूप में। हाँ, और मैं कविता को कुछ अपने मित्रों को और कुछ सीनियर हैं उनको पढ़ाता हूँ, तो उन फीडबैक को भी फिर सोचकर फिर उनपे फिर जो होता है एक ऐसे समय देकर, अगर आप खाना पकाए तो अच्छा बनता है, फास्ट फूड को। ये बड़ी बात है कि आप सुना के फीडबैक लेना चाहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज लोग लिख लेते हैं, लिख के कहते हैं नहीं जो लिखा है बस वही सही है, वही अच्छा है। अच्छी ना, उतनी हमारे जुबान पर तो सरस्वती नहीं बैठती तो अच्छा। तो खैर, ये उन कविताओं में से है, और ऐसी कविताएं जब आप लिखते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो ये कविता मैंने 2016 के 31 दिसंबर को लिखी थी, तब मैं बहरामपुर उड़ीसा में था और वहाँ बिल्कुल जंगल के बीच जाकर बैठ कर ये कविता लिखी थी। तो अनुभव भी बहुत इसके साथ एक अच्छा जुड़ा हुआ है। इस कविता का नाम है स्वप्न कविता। स्वप्न कविता। अनगिन तितलियां उस थके अकेले आदमी की देह पर आ बैठी, कुछ मंडराती रही उसके चारों तरफ,
कुछ झरती रही उसकी आंखों से और जमीन बनी जिस पर वह आदमी खड़ा था पेड़ की तरह। तितलियों ने पंख डुलाए और पैदा की हवा, मंडराते हुए एक दूसरे के इर्द गिर्द वे फूल बनी जिनकी गंध जहां तक गई विस्तार होता रहा जंगल का। वे तितलियां ही थीं बहलाने को जिन्हें चिड़ियों ने चहचहाना सीखा, और तितलियों की पीठ पर सवार धूप ने सीखा धरती की सबसे गहन कंदराओं में रोशनी कर। अच्छा अच्छा है, शुक्रिया, यकीनन अच्छा है। तो आपने ये कविता कब लिखी, मतलब ये कितनी पुरानी कविता है आपकी? ये 31 दिसंबर 2016 की लिखी हुई है। 2016 तो आज 16 के बाद आप 20 में पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है ये, मतलब इतनी पुरानी कविता अगर आप पढ़ना चाह रहे हो आज अगर, तो मतलब ये आपकी कहीं ना कहीं तो आपकी पसंदीदा कविता होगी। हाँ, मुझे ये कविता मैं कम पढ़ता हूँ क्योंकि इसका ऑडियंस भी थोड़ा अलग होता है, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ साझा। तो ये भी हिस्सा है आपके उस प्रकाशन का जो प्रकाशित आपकी पुस्तकें हुई हैं अभी तक? हाँ, ये जो नया संग्रह तैयार हुआ है जो 2012 से लेकर 20 तक की अब तक की कविताओं का संग्रह है, उसमें ये कविता शामिल है। याया वार करके शायद, ऐसा यायावर वो पुरानी कविता है, सॉरी याया वार करके जो आपकी, वो संग्रह 2012 में आया था, अब तो वो आउट ऑफ प्रिंट जा चुका है कई सालों से, और उसकी कविताएं भी मुझे बहुत सारी कविताएं काफी कमजोर लगती है, तो कभी भविष्य में हुआ तो मैं अपनी शुरुआती कुछ संकलनों से कुछ चुनी हुई कविताओं का पतला सा एक बुकलेट जैसा निकालूंगा जिसमें उस शुरुआती एरा की कुछ कविताएं होंगी। आपसे मुलाकात हुई तो बिल्कुल मैं चाहूंगा आपकी पुस्तक खरीदना, क्योंकि मुझे पढ़नी है फिर आपकी कविताएं। शुक्रिया जी, जरूर जी। तो मैं चाहूंगा सौरभ भाई और आगे कुछ अच्छी कविताएं। हाँ, ये कविता है सोई बिटिया। सोई बिटिया, ये कविता मैंने तब, ये हाल मतलब ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मेरी बिटिया, हमारी बिटिया 1 महीने की थी, और मैं हमारी पत्नी और बेटी को लेकर मुंबई गया था। वहाँ पे जो हमारे मेरे सास ससुर वहाँ रहते हैं, तो उनके यहाँ पे हमारी पत्नी और विद्या और बेटी मृदा, हम लोग, मैं उनको छोड़कर फिर बैंगलोर वापस लौट रहा था, तो उस ट्रेन जर्नी के दौरान मैंने ये कविता लिखी थी। तो ये कविता है सोई बिटिया। मेरी गोद में समुद्र भर आया है, गहरे समुद्र तल से सतह तक तैरती आई उछलने को तैयार मछलियां तुम्हारी आंखों का कौतूहल है। अपने अनमनेपन में जानती हैं जो चांद एक झुनझुने से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारे आने में कोई कविता नहीं थी, कांप रहा था मैं घास की अकेली पत्ती जैसे कांपती है बारिश टूटने से पहले। अपने शहर में आगंतुक मैं लगातार दौड़ रहा था, गिर रहा था धड़ाम धड़ाम सड़क के गड्ढों में, अस्पताल की बेड पर, बादलों के पीछे कहीं। 18 घंटे प्रसव के बाद बाहर आया था तुम्हारा सिर, दुनिया की सबसे साफ और नाजुक चीज, चेहरे पर जिद लिए और थकान और सुकून। तुम कमरे में सबसे छोटी थी जिससे सब डरे हुए थे। मुलायम गमछे में लिपटी अब तुम महफूज हो, दूध से भरी हुई डकारती हिचकियां लेती बड़ी हो रही हो लगातार, कनखियों से देखती हो मुझे, पूछती हो उंगली पकड़कर मुझसे मेरा परिचय। मेरे हृदय में पेड़ उगाया है, तितलियों की तरह मेरी बांह में मंडरा रहे हैं तुम्हारे पैरों के निशान। अपनी भाषा में समझा रही हो तुम मुझे कि तिलिस्मी कहानियों में जिन को क्या चाहिए होता है, कि बिना आंसू बहाए रोना सबसे अच्छा रोना है, कि इस उबड़ खाबड़ पृथ्वी में गोद से समतल जगह नहीं। डोलते सिर पर टिकी रहती हैं एकटक आंखें, घुमाती हुई दोनों हाथों की उंगलियां, तुम हवा में बनाती हो टाइम मशीन का ढांचा जिसे आधा समझा कर सो जाती हो।
गीली मिट्टी की तरह मेरे हाथों में धस गई है तुम्हारी नींद। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, मैं सॉरी, मैं पॉज पर था, मैं भूल गया था। अच्छा, जी बहुत अच्छी कविता है आपकी। तो ये कविता आपकी उस जर्नी की थी जब आप बॉम्बे से आप बेंगलोर के लिए आ रहे थे तब, और बेटी हाँ, को उस जर्नी के दौरान लिखी थी, लेकिन अनुभव तो उसको गोद में हाँ, सुनाने का ही है। वो मेरे को समझ में आ रहा था आपकी कविता से। आपने जो बयां किया वो उसको देखकर भी आपने उस कविता को लिखा होगा, आपने कुछ यादें होंगी उसमें उस बेटी के ऊपर। बहुत अच्छी कविता कविता आपकी। अच्छा सौरभ भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कविता पढ़ाई भी है जैसा कि जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में, आपने कई NIIT में आप गए, अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी में आप गए, फैकल्टी रहे हो, कई जगह पे संस्थानों में आप गए हो। तो एक एक नए जब कोई नया नया कवि आता है या जो भी नए लड़के पढ़ने आते हैं या कविता करने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या याद रखना चाहिए, उसकी पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए एक कविता को, एक अच्छी कविता लिखने के लिए, जिससे वो अच्छा लिख सके? देखिए, कविता उन्हीं को लिखना चाहिए जो कविता के प्रति फैसिनेटेड है। तो फैसिनेशन एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको कविता पसंद ही नहीं है तो आपको कविता नहीं लिखनी चाहिए। इसीलिए आप देखिए, बहुत सारे लोग अपनी पहली कविता, मैं भी उनमें से शामिल हूँ, प्रेम कविता लिखते हैं, किसी और के लिए कविता लिखते हैं जिसके प्रति फैसिनेशन होता है, तो कविता माध्यम बनकर रह जाती है, फिर कविता आगे नहीं लिखी जाती। नहीं लिखी। तो फैसिनेशन एक बहुत जरूरी चीज है। अब फैसिनेशन तो अगर मान लीजिए आपके अंदर है कविता की, हो तो जाहिर सी बात है कि आप कविता पढ़ेंगे, आप अपनी कविता को लेकर सिर्फ मुग्ध नहीं रहेंगे, आप कविता पढ़ेंगे। एक फिल्मकार जैसे जिसे फिल्मों के प्रति फैसिनेशन है, वो बहुत सारे और डायरेक्टर्स की फिल्में देखता है या एक संगीतकार और सारे लोगों के गाने सुनता है, वही बात कविता पर भी अप्लाई होती है। तो मेरे ख्याल से किसी भी क्राफ्ट को, और कविता क्राफ्ट है, कविता में इंडिविजुअल टैलेंट तो काम कर ही रहा होता है, लेकिन उसका उसके उसका अपना एक ग्रामर होता है, उसका अपना एक लैंग्वेज होता है जिसको सीखने की जरूरत है। जैसे पेंटिंग भी सीखी जा सकती है जी, तो कविता कोई दैवीय माया नहीं है जो आपको अचानक से हाँ के हाथ कर दिया और आपको कविता आ गई। हाँ, वैसे बिल्कुल नहीं होता, उसमें भी उतना ही मेहनत, उतना ही श्रम, उतना ही समय देना पड़ता है जैसा किसी भी और क्राफ्ट को। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा कवि, जिनमें मैं भी अपने आप को गिनता हूँ, हमारे लिए एक यात्रा होती है कविता की, और वो जीवन भर चलती है। कई सारे कवि शुरू में लिखते हैं, फिर आगे चलकर लिखना बंद कर जाते हैं, कई सारे कवि बहुत लेटर एज में लिखना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें सही हैं, इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि जिसे भी कविता लिखने का मन है, शौक है, उसे लिखना चाहिए कविता, वो चाहे जैसी भी कविता लिखता है। इसीलिए अंजुमन जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म है, उसमें हम किसी को जज नहीं कर रहे बिल्कुल, होते, बिल्कुल। किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे होते, क्योंकि वो जो एक अन एक जो अनकंडीशनल सपोर्ट जो वो बहुत जरूरी होता है किसी भी नए कवि के लिए। बिल्कुल। हिंदी कविता संसार में इसका थोड़ा सा अभाव है। बिल्कुल, सीनियर कवि अक्सर नए कवियों को एनकरेज करने के बजाय उनको या हर कवि, सीनियर की बात, जूनियर की बात नहीं है, हर कवि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, और ये सोच भी ज्यादा है कि कोई खराब कविता लिख रहा है तो उसे डिस्करेज किया जाए, जबकि ये जरूरी नहीं है। खराब कविता, मुक्तिबोध कहते थे कि एक अच्छी कविता लिखने के लिए 100 खराब कविता लिखी जानी चाहिए, युवा कविताओं को ये एडवाइस करते थे। तो मैंने भी बहुत खराब कविताएं लिखी हैं, ये भी कविताएं शायद खराब साबित हो जाए समय के साथ, वो तो चलता रहता है, लेकिन हमारा काम है लिखना। खुद की कविता को आप जज नहीं कर सकते कि ये करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, असल में मुझे जैसा कि अभी आपने कहा कि सीनियर कवि हैं या एक माहौल है या एक कंपटीशन वाली बात जो है कि हमें आगे जाना है या उसको आगे जाना है, तो मुझे लगता है कि कविता जितना मैंने जाना है पिछले कुछ एक महीनों में, बहुत लंबा टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया इसमें, लेकिन जितना कि यहाँ पर कुछ वो बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं कि एक सेट ऑफ पीपल का ग्रुप है। अगर आप बेंगलोर जा रहे हो या आप दिल्ली जा रहे हो तो वहां पर एक यूनियंस बनी बनी हुए हो रखी है कि आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंटर करना। वो अपने लोगों को ही इनकरेज करते हैं, चाहे उसे अच्छा लिखा हो या ना लिखा हो। ये बहुत मुश्किल है कि एक अच्छे शायर का, एक अच्छे कवि का बहुत खुल के बड़ी आसानी से ऊपर आ जाना, थोड़ा सा मुश्किल है।
कविता के केस में था शायद, मुझे लगता है कि हाँ ये सारी चीजें तो है। खैर हम लोग प्रॉब्लम्स पे कम बात करते हैं, मतलब अच्छी बातें ज्यादा करते ठीक हैं, है मुझे लगता है वो ज्यादा, जी। तो लेकिन मुझे लगता है कि इन सबके सबसे ज्यादा जरूरी है लिखना। कोई भी ग्रुप, आप ग्रुप में है नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सब अपनी जगह पर है। सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी आर्टिस्ट का आर्ट क्रिएट करना, उसकी ओर मेहनत करना, और इसलिए पढ़ना बहुत लिखना जरूरी है, बहुत शायद जरूरी। हाँ पढ़ना, पढ़ना तो बहुत जरूरी है जब तक तो कोई कोई कितना भी कितनी भी समस्याएं हो, कितने भी बैरियर्स बने हुए हो, अगर कोई अच्छा लिखता है, शमशेर का उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, एमिली डिकिंसन की तो कविताएं उनके जीवन काल में कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, उनके अपने पड़ोसियों को नहीं पता था कि वो कविता लिखती है, वो औरत जो बिल्लियां पालती है वो कविताएं भी लिखती है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो अमेरिका की सबसे बड़ी कवित्री बन गई। वॉल्ट विटमैन और एमिली डिकिंसन को अमेरिका के दो ग्रेटेस्ट पोएट्स का दर्जा मिला हुआ है। तो ये तो लिखना बहुत जरूरी है, बाकी सारी चीजें मुझे अपनी जगह पर है, मुझे अपना काम एक, करते रहना। हाँ मुझे वो एक फिल्म याद आती है, प्यासा मूवी जो थीम की याद आती है, कि जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद वो उनकी वो नज़में जो उनकी छपी जाती हैं, तो वो बिल्कुल सही बात है, मतलब वही वाली बात है, कुछ सेम वाक्य है। तो जी सर भाई, हम चाहेंगे कि आप कुछ और अच्छी कविताएं आप पढ़ें हमारे बीच। जरूर। ये कविता है त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के माने ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज। बोर्ड पर तीन बार चौक चलाकर टीचर ने पूछा, बताओ कहाँ कहाँ है त्रिभुज। बच्चों ने स्मृतियां टटोली, केक का टुकड़ा त्रिभुज, नुक्कड़ के समोसे त्रिभुज, स्कूल की छत, देवदार के पेड़, कोने वाली ताक त्रिभुज, बिल्ली के कान, खच्चर का मुंह, प्रिंसिपल की नाक त्रिभुज। अच्छा। टीचर हंसी और ले गई बच्चों को खिड़की के पास, देखो पहाड़, नेपथ्य में तीव्र से शांत से त्रिभुज। त्रिभुज आकार है संतुलन का, त्रिभुज की ओर दौड़ता जाता है आकाश और लौटता है हरे जंगल बनकर। बादल बदल जाते हैं नदी में और आदमी लौटता है जैसे खोलकर तीसरी आंख। वह हंसती रही, मछुआरे का जाल त्रिभुज, बुनाई की चाल त्रिभुज, मजदूर की पीठ, माँ की कोख, झुका हुआ सर त्रिभुज, पुल का स्थायित्व, तराजू का दायित्व, ढहा हुआ घर त्रिभुज। बच्चों, त्रिभुज आकार है संतुलन का, त्रिभुज को नमस्कार करो। अच्छा है, एकदम मोटिवेशनल कविता। सही है, सही है, इसको पढ़ के सीख सकते हैं आप कि बैलेंस जरूरी है लाइफ में। एक और ये कविता है काल बैसाखी, मैंने अपने संग्रह का नाम भी काल बैसाखी रखा है जी। तो जब भी छप कर आएगा उस संग्रह का नाम काल अच्छा बैसाखी, जब अब जो आने वाला है। हाँ, अब जो अब आने वाला जी, जी संग्रह की ये सौभाग्य है कि हमें हमें सुनने का मौका मिल रहा है प्रिंट के आने से पहले। अरे भाई, बैंगलोर के लोग सुन सुन के बोर हो चुके हैं अंजुमन वाले, तो मैं पहली मर्तबा सुनूंगा। अच्छा रहेगा जी। काल बैसाखी, ठीक है, तो काल बैसाखी दरअसल पूर्वी भारत में उठने वाला एक तूफान है जिसको अंग्रेजी में नॉर्वेस्टर्स कहते हैं, जो मानसून के आगमन पर टूटता है, तो काल बैसाखी तूफान को बुलाते हैं एक तरह के, काल बैसाखी। उसके आने की सूचना सबसे पहले चीलों को मिल जाती है, आसमान दूर तक देता है दिखलाई, सूखे तालाब के गले में खुजली सी उठती है और पूरे गांव पर पसर जाती है, पुआल पर लौटते मेमने की आंखें देखती हैं, रुई के छोटे जत्थे मिलकर खेलते हैं जब सूरज घेरने की चाल, मिट्टी काटता किसान उसे गंध से पहचानता है, लेकिन जब दब जाती है दोपहर तक इलाके की हवा, ठंडा पड़ जाता है उसका कलेजा खेत में दबे बीज की तरह, दूर आकाश नगाड़े सा बजता है, मोड़ का दुकानदार स्कूटर की हेडलाइट जलाकर लौटता है घर, एक बछिया पूंछ उठाकर दौड़ती है खूंटा समेत दुल की चाल पकड़ने से पहले, पीपल के पत्ते आंख बदल बदल कर देखते हैं दरवाजों को बंद होते हुए, मछुआरिन हड़बड़ा कर ठोकती है छत पर तिरपाल,
अपने आदमी को गला फाड़ कर गरियाते थे। धूप के आखिरी कतरे पर शान से बैठा रहता है कुत्ता कि आ रहा है उसके रोमांस का मौसम। आसमान काला और अधिक काला पड़ जाता है। मुस्कुराते बरगद में महफूज अभी अभी जन्मा तोते का बच्चा तलाशता है आसमान में तारे और मायूस हो जाता है। टूटता है उसकी चोंच में एक दाना। आसमान गिर रहा है। एक प्लास्टिक की थैली नाली से निकल उछलती हुई भागती है गांव की ओर। महुआ के पेड़ एक एक कर झटकते हैं माथा। ठाह खोजते बकरीहे के मुंह में धूल भर जाती है। कसने लगती है उसके केश की गांठें। पानी से लबालब भरी एक बूंद पूरी ताकत के साथ दौड़ती है पृथ्वी की ओर। कुएं की सतह से आंख निकालकर हुलकता मेंढक गायब हो जाता है कुएं में वापस। घर के अंधेरे में बैठी एक बच्ची सुनती है छत पर उसके उतरने की आवाज। जमीन के पोरों से आती गंध नाक में गुदगुदी करती है। खिड़की से टकराकर तैरती हैं हवा में ठंडी छींटें। तड़के उठकर उसे जाना भी तो है सहेलियों के साथ चुनने जमीन पर बिखरे आम। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा है। तो ये आप उस तूफान की बात कर रहे हैं जो बहुत तेज बारिश से पहले का जो एक अंदेशा होता है, वो काली घटाएं आती हैं। एक स्पेशली इंसान को तो नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जानवरों को मालूम होता है कि अब क्या होने वाला है। और मैं तो मेरा जो पूरा बचपन बीता था, हर साल ये काल बैसाखी टूटता था और हम लोग घर के अंदर। क्या नाम क्या बताए हो आप इस तूफान का? काल बैसाखी, बांग्ला में काल बैसाखी बोलते हैं। अच्छा, बांग्ला में काल बैसाखी बोलते हैं। हमारे यहाँ यूपी में कुछ बोलते होंगे, मुझे ऐसे याद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हाँ मुझे ये याद है। शायद अगर ये वही तूफान है जब फसल कटने के बाद, गेहूं की फसल के बाद जो भूस जो होता है, जैसे हम भूस बोलते हैं चारा, जो जो उसको जो इंसान वो ढक देता है, किसान जो उसको त्रिपाल से ढक देता है, वो बाद में उड़ जाता है पूरा वो उसी तूफान में। अच्छा है, काफी अच्छा है। तो सर भाई, एक चीज मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगा, ये मेरा सवाल ये है कि मैं भी कुछ एक छोटे से यहाँ पर इवेंट कराता हूँ पोइट्री के, और मैं अंजुमन आया, जब मैं अंजुमन आया पहली दफा आया, आपसे शायद मुलाकात नहीं हो पाई थी हमारी, तो मैंने देखा कुछ लोग बहुत, मतलब ये किसी की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप यहाँ ये बताएं कि जब कोई कविता पढ़े तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक सीख के तौर पर। इसका जवाब देने के लिए शायद मैं उपयुक्त पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत खराब पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और कविता पढ़ना तो ठीक है, ऐसे मंच तो आते जाते रहते हैं, कविता लिखने के प्रति अपने ओर से कवियों को थोड़ा और जागरूक होना चाहिए, यानी नए नए विषय तलाशने चाहिए, नई अभिव्यक्ति के माध्यम तलाशने चाहिए। और कविता ये बात मैं बार बार कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, और अगर एक कोई सेंट्रल थीम होती है मेरे कोर्स की तो वो यही होती है कि कविता सिर्फ कंटेंट नहीं होती, कविता फॉर्म भी होती है। कविता में कंटेंट और फॉर्म दोनों का जब मैरिज होता है, दोनों जब साथ में आते हैं, तब कविता अच्छी है, वो लयबद्ध होती है। तो फॉर्म जो पुराना फॉर्म है, जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, लय की बात कर रहे हैं, तो वो फॉर्म हमें विरासत में मिला हुआ फॉर्म है। लेकिन जो आधुनिक कवि होता है उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो या तो पुराने फॉर्म पर कुछ कोशिश करे लिखने की, यानी मैं तरन्नुम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब भी लिखे, जैसे आपने जो भी सुनाया वो भी एक प्रपोशन था उसका, एक आपने किसी भी बात को इतना लंबा नहीं खींचा, किसी को इतना छोटा नहीं कह दिया, एक वो एक सेट ऑफ रूल के तहत आपने लिखी है कविता। क्या अगर पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि वो एक बैलेंस के साथ जा रही है आगे, बात ये थी। हाँ, तो कवि को एक तो नएपन और ये सब के बारे में सोचना ही चाहिए, लेकिन क्या लिखें उतना ही जरूरी है इस बारे में विचार करना है कि उसको कैसे लिखें। तो कविता में वो दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुराने जमाने में कवियों के पास वो कैसे लिखें वाला जवाब उनको छंद में मिल जाता था, लेकिन आधुनिक कवि के ऊपर क्या और कैसे, ये दोनों का प्रेशर होता है। यानी आधुनिक कविता पुरानी कविता से आसान नहीं हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है, और मुश्किल हो गई है।
निराला जब लिखते हैं बादल राग झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भर निझोर, वो एक ऐसा फॉर्म अर्जित करते हैं जिसमें कविता की आवाज से भी आपको बादल और बारिश की आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल 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 झर झर निर्झर गिरी सर में, इस तरह से आपको बारिश होने की आवाज सुनाई देती है। तो फॉर्म बहुत जरूरी चीज होती है कविता में, और ये इस पर हर कवि को सोचने की जरूरत है। इसलिए हड़बड़ाने की चीज नहीं होती कविता, आप आराम से लिखिए, समय दीजिए अपनी कविता को, खूब नोट्स बनाइए, लेकिन जब फाइनल आप फॉर्म पर लिख रहे हैं तब उस पर समय देने की जरूरत है। यानी एक कवि को एक संग्रह लिखने में उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितना एक नॉवेलिस्ट को एक नॉवेल लिखने में करनी पड़ती है, उतना मेहनत लगता है अच्छी जैसे अच्छे मूर्तिकार शब्दों एक के मूर्ति लिए। तराशता है उस हिसाब हाँ से। हाँ आपके तो वो मेहनत का काम होता जी है। आपके पसंदीदा कवि कौन है, अगर मैं कहूँ तो हिंदी में आपके पसंद, एक मैं पुराने की बात में बात करूंगा आधुनिक कवि। तो जो एक तो मैंने आपको नाम ले ही लिया, निराला। ठीक है निराला मेरे प्रिय कवि हैं, मतलब जी सबसे अधिक प्रिय कवि निराला है, और मेरे ख्याल से सब मतलब वो मेरे ख्याल से कहिए सर्वमान्य कि वो हिंदी नहीं, के बिल्कुल सबसे बिल्कुल निराला बड़े महाप्राण है वो हमारे, तो कमाल, वो है ही महाप्राण महाप्राण निराला, महाप्राण निराला जो निराला। है, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से, उनकी कविताओं से, उनकी उनके कविता की विविधता से। वो जितने मतलब मैंने अभी फॉर्म की बात की, तो फॉर्म पर निराला से इतनी सारी बातें सीखी जा सकती है, उन्हीं में बहुत कुछ समाहित मिलता है। और नए कवियों में, आधुनिक कवियों में मुझे अरुण कमल बहुत पसंद आते हैं, अभी जो कवि कवि जो है हमारे बीच, उन सब उन कवियों में अरुण कमल के 7 संग्रह आ गए, और हर संग्रह में उनकी अद्भुत कविताएं हैं। उनका वो बहुत प्रिसिजन के कवि हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल ठेठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्रियाओं के प्रति जिस तरह से जागरूक है, नए नए एकदम बिल्कुल बिहार के भोजपुरी की भाषा से क्रिया उठा लेते हैं, उस तरह से जिस तरह से वो उनका शब्दों का जो चयन है, जो कहते हैं कविता शब्दों से लिखी जाती है, ये बात अरुण कमल में सबसे अधिक मुझे दिखाई देती है। उनका शब्द चयन, उनका उनका उनकी कविताओं की सिंप्लिसिटी अद्भुत है। तो मुझे अरुण कमल एक बहुत प्रिय कवि है। और एक कवि मुझे बहुत बहुत सारे प्रिय कवि हैं, लेकिन एक और कवि जो जो मेरे मेंटोर की तरह भी हैं, जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती है, उनसे मिलता हूँ, उनसे वो मेरी कविताओं पे मेरे सब कविताओं के सबसे बड़े आलोचक हैं, और हिंदी के तो बहुत बड़े आलोचक हैं ही, सुधीर रंजन सिंह भोपाल में रहते हैं, वो भी मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। तो कंटेम्प्रेरी कवियों में ये मेरे प्रिय हैं कुछ। फिर से जी जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि एक समय ऑलमोस्ट होने वाला है, तो मैं चाहूंगा एक एक कविता के साथ हम इसको यही विराम देंगे इस कार्यक्रम को। तो एक कविता जो वैसे तो जो आप पढ़ना चाहें, पर मैं चाहूंगा जो आपकी लेटेस्ट कविता है वो अगर आप पढ़ें तो अच्छा रहेगा। लेटेस्ट कविता, लेटेस्ट कविता तो यहाँ पे कहीं पे प्रिंटेड नहीं है, वो कहीं कागज कलम पत्थर में लिखी होगी, तो जिसे आप ड्राफ्ट न करने वाले हो, जो ड्राफ्ट हो चुकी हो वो कहीं होगी राइट? उसके लिए ना मुझे यहाँ पे एक मेल खोलना पड़ेगा, रुकिए मैं हाँ पढ़ के बिल्कुल सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। जी हाँ तो ये कविता है वृत्तांत। वृत्तांत, रात छूटते निकलनी थी बारात, कि गांव से फोन आया बड़ी माँ नहीं रही। कुटुंब में मृत्यु, यानी अब हम अपवित्र हैं, हमारा छुआ कोई नहीं खाएगा, ब्राह्मण नहीं कराएगा शादी। इधर गढ़ चुका था पंडाल, और लड़की को क्या मुंह दिखाएगा सोच, जहां खड़ा था वहीं बैठ गया दूल्हा। एक आदमी जो अब तक चुप बैठा था, याद करने लगा बड़ी माँ से अपनी आखिरी मुलाकात, जिनका पति चल बसा था अल्पायु में, जो देश गांव घूमती 90 साल जी, और मरी भी तो स्ट्रोक खाकर रातों रात। फिर लंबी बात चली, पंडाल के चमकते अंधेरे में, जहां किरणों जैसी धारियां सजी थी, और बीच में सूरज की जगह पंखा लटका था। तय हुआ कि बात बाहर नहीं निकलेगी, बुजुर्गों तक तो कतई नहीं। तीसरे दिन सब नहा धोकर छिलवा लेंगे नाखून, और सब दोष माफ। चौथे दिन जब दादी के रोने से गूंज उठा घर, सब खुश थे नव दंपति को घेरे, सबसे अधिक बच्चे, जिनमें से एक ने नई चाची को आई लव यू भी बोला। और इस तरह एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से परिवार ने
अपने धर्म का पालन कर धर्म पर विजय पाई। बहुत अच्छी कविता है सौरभ भाई, और खास तौर से मैं थोड़ा सा इसलिए रिलेट कर पाया कि एक वाक्य हुआ था कहीं ऐसा, हालांकि एकदम अप टू डेट नहीं है जो कविता में है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ सेम था, शादी थी और जो घटना घटी थी वो घटना भी वहां हुई थी, और बड़े ही विधि विधान के साथ बड़े ही आहिस्ता तरीके से उसको जो भी संस्कार होते हैं वो किए गए थे, लेकिन शादी भी हुई थी। तो शायद मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था, तो थोड़ा सा एक बार को फ्लैशबैक गया मैं इस कविता के जरिए। बहुत अच्छी कविता थी। तो सौरभ भाई मैं चाहूंगा कुछ कुछ नए लोगों को, नए कवियों को कुछ नया संदेश आप देना चाहें जाते जाते। भाई मैं संदेश देने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैं बहुत साधारण उतना ही मतलब स्ट्रगल कर, हर कविता लिखने के बाद मैं एक डिप्रेस्ड सा वो हो जाता हूँ, जो जिसे पता नहीं वो अगली कविता लिख भी पाएगा कि नहीं या कब लिखेगा। तो संदेश तो मैं कुछ नहीं दे सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, हमें आपस में लड़ना झगड़ना तो वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि कविता वैसे ही हाशिए पर होती है, और इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आर्ट में तो कोलैबोरेशन सबसे जरूरी चीज होती है, कंपटीशन से हमारा काम खास तौर से हिंदी और हिंदी में कविता की बात है तो कॉर्पोरेट में चलता होगा कंपटीशन से मामला, लेकिन कविता में तो ये नहीं चलता, कविता में तो हमें एक दूसरे को मतलब लिखिए, जो जो लिखना है लिखिए, सब लिखिए, अच्छी कविता पढ़िए, लिखते लिखते ही कविता सुधरती है। अच्छा सर, आपका एक एक अनुभव रहा है, अनुभव तो बोलता है, मतलब अगर मैं आज मैं खुद कहूँ तो मैं आपके पास आऊंगा कि सौरभ भाई मुझे मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आखिरकार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक आपने जो पिछले 8-10 साल से जो करते आए हैं, तो एक मार्गदर्शक तो होता है कि मतलब ठीक है कि आप मुझे बोल सकते हो कि हाँ ये कभी मैंने भी फेस किया है, उसको ऐसे करोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, सीख जिसे हम थोड़ा सा कह सकते हैं। तो सौरभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपसे बहुत कुछ सीखने का, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी आपने, और हम मिलते रहेंगे। तो ठीक है सौरभ भाई, फिर यहाँ से हम विदा लेते हैं आज, और मिलते हैं फिर नई कविताओं के साथ, तब तक के लिए।